कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जीआरएफ चैनल पे। साथियों यहां पे गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आई है, शानदार मौका है, इसको चूकना मत है, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, नेट के रिजल्ट का वो लोग इंतजार कर रहे थे और फिर से रीओपन हो रहे हैं। लास्ट डेट इसका 1 नवंबर है और बम्पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, 27 सब्जेक्ट हैं और सभी को फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जहाँ पे आपके पास कुछ भी एनएफ ओबीसी एससी एसटी या जेआरएफ या कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा, यानी पीएचडी ओनली वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉन नेट फेलोशिप 8,000 पर मंथ आपको मिल सकता है और 10,000 रुपये सालाना कंटीजेंसी। तो देख लेते हैं इसका सारा डिटेल। देखिए यहाँ पे टोटल 27 सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, भूटिया है, बोटनी है, केमिस्ट्री, चाइनीज, कॉमर्स, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लॉ, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नेपाली, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, टूरिज्म और जूलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि किन किन लोगों का एडमिशन होगा, साफ इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट विथ यूजीसी नेट स्कोर, सीएसआईआर नेट है चाहे जेआरएफ है, तो उसी में आपका बिना नेट क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम ही नहीं होता। यूजीसी नेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट इज नॉट नॉन नेट सब्जेक्ट लाइक भूटिया, मतलब उस सब्जेक्ट में जिसमें नेट का एग्जाम ही नहीं होता, अदरवाइज नेट के स्कोर पर ही यहाँ पे होगा। अगर हम लास्ट डेट की ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो 1 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है वो 11 नवंबर से आपका शुरू होगा, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, और कहीं भी सेलेक्ट अगर आप होना चाहते हैं इंटरव्यू में, तो एक अच्छा सा सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना होता है और उसी के आधार पे आपको प्रिपरेशन करना होता है अपने प्रपोजल के आधार पे इंटरव्यू का। तो साथियों जैसा कि पता है कि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे रिसर्च वर्क का अच्छा खासा अनुभव है। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम हो रही, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपको पूरा पूरा हेल्प मिलेगा सिनॉप्सिस बनाने में हमारे तरफ से। ठीक है, और देखिए ये जो निकल के आई है वो सिक्किम यूनिवर्सिटी से निकल के आई है, जहाँ की आपको लोकेशन भी बहुत ही प्राकृतिक और मनोरम दृश्य आपको वहाँ मिलेगा, मतलब कि एक अच्छे लोकेशन में ये विश्वविद्यालय सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसमें हमने जो जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ कवर कर लिया है, और अगर अब भी आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि उस सब्जेक्ट के जहां ज्यादा सीटें निकल के आए उस सब्जेक्ट के ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी लेकर आऊं मैं और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन लेकर आऊं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।